जय श्री राम भक्तों, मैं अजय महाराज। आज का विषय है सपने में एवं पूजा पर बैठकर आंख बंद करने पर उल्लू का नजर आना, क्या है संकेत। आज का ये वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। देखिए, अनेकों मित्रों को, अनेकों भक्तों को ये शिकायत है और ऐसा उनके जीवन में घटित होता है कि जब वो अपने नित्य पूजा में बैठते हैं, पूजा में ध्यान इत्यादि करते हैं, तो पूजा सामान्यतः आंख बंद करके ही की जाती है। तो जैसे ही वो लोग आंख बंद करते हैं तो उनको उल्लू नजर आने लगता है, या ऐसे लोग जब सोने जाते हैं और अपनी आंख बंद करते हैं तो नींद की प्रारंभिक अवस्था में ही, शुरुआत में ही उल्लू नजर आने लगता है। और कई बार आप लोग भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। ये किस बात का संकेत है और क्यों नजर आ रहा है, इसके विषय में हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को लाइक करें व सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। देखिए, अगर आपको पूजा के समय या सोने के समय, सोते समय आंख बंद करते के साथ ही कुछ समय के भीतर अगर आपको उल्लू नजर आता है तो ये अत्यंत अशुभ माना गया है और मैं अपने 25-26 साल के अनुभव से आपको बताना चाहता हूं कि ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आपके किसी शत्रु ने या जलने वाले ने या जो आपसे दुश्मनी मानता है उसने किसी तांत्रिक से आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया अवश्य कराई है, जिसमें कि उल्लू इत्यादि की बलि दी गई है और उस उल्लू को तांत्रिक विधि से आपके ऊपर भेजा गया है। ऐसा किया जाने पर ही पूजा के वक्त और सोते वक्त उल्लू नजर आता है और ये आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके जीवन के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होता है। इस प्रकार का भेजा हुआ तंत्र आपको क्या क्या नुकसान पहुंचाता है, आप ध्यान से सुनिए। उल्लू जब बलि देके तंत्र विद्या से किसी के ऊपर भेजा जाता है तो उसको वो सपने में, सोते में या पूजा के वक्त उल्लू जरूर नजर आएगा और ऐसे व्यक्ति को जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो नुकसान होता है उसकी बुद्धि का। उसकी बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है, उसकी बुद्धि अपने जीवन में कोई भी सही निर्णय नहीं ले पाती है, उसका दिमाग सही काम नहीं करता है, उसको सही और गलत की पहचानने की क्षमता धीरे धीरे खत्म होने लगती है, जिसकी वजह से उसके निर्णय गलत होने लगते हैं और अपने जीवन में और व्यापार में उसको अत्यधिक क्षति उठानी पड़ती है। नंबर दो, बुद्धि खराब होने के साथ ऐसा व्यक्ति घर के अन्य सदस्यों से या किसी बाहर वाले व्यक्ति से
कुतर्क करने लगता है या फालतू में लड़ाई झगड़े करने लगता है, उसके जीवन में लड़ाई झगड़ों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे कि उसको अत्यंत नुकसान होता है। नंबर 3, ऐसा तंत्र उसके शरीर में अत्यंत घातक बीमारियां पैदा करता है, जिसमें कि डिप्रेशन इत्यादि, सिर में दर्द इत्यादि प्रमुख होता है। गुस्से का तेज होना ये भी एक प्रमुख लक्षण होता है। और धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति अपने शरीर से, अपने काम धंधे व्यापार नौकरी से धीरे धीरे नुकसान उठाता है और उसके जीवन अत्यंत दुष्कर हो जाता है। ये एक अत्यंत घातक तंत्र प्रयोग होता है। मेरा आप सभी भक्तों से अनुरोध है, अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है या दिखाई देता है उल्लू, तो आप तुरंत सावधान हो जाएं और किसी योग्य महाराज से मिलकर उस तंत्र को अवश्य कटवाएं, जिससे कि आपका जीवन फिर से सही रास्ते पर आ सके और आपके जीवन में जो नुकसान होने वाले हैं वो ना हो। अगर किसी व्यक्ति को ऐसी समस्या है तो वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकता है। इसको आप हल्के में ना लें, ये एक अत्यंत घातक प्रयोग होता है। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जय श्री राम।